ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला समय सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये क्या है सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो इसमें या तो मेन या मीडियन या मोड दिया होगा। सब लोग यहाँ पे बोर्ड पे देखो, ठीक है, आपके पास या तो क्वेश्चन में मेन दिया होगा या मीडियन दिया होगा या मोड दिया होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है तो इन तीनों में से कोई चीज़ दे रखी होगी, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, मीन का करना है, मीडियन का करना है। या तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, मीन दिया हुआ है, तो आपको मीन का मेथड यूज करना है। अब मीन के मेथड में कोई भी मीन का मेथड आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्टेप डिविएशन मेथड यूज करना है, मतलब एफ आई यू आई वाला मेथड अगर यूज करना है, तो आपको क्लास लेंथ चेक करना है, ठीक है। क्लास लेंथ अगर इक्वल है, सब में देखो दो दो का गैप है, तो सब में दो दो का गैप है, तो आप स्टेप डिविएशन मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का आप टोटल कर दोगे, अब देखो ये वाली मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है आपके पास, अगर ये नंबर होता तो आप ऐड करते, तो अभी भी आप ऐड करोगे, तो आप क्या करो पहले एफ प्लस लिख दो और बाकी के नंबर प्लस कर दो, बाकी के नंबर प्लस करोगे तो आएगा, तो एन आया, फ्रीक्वेंसी का टोटल आया एफ प्लस 44, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि कोई भी मीन का मेथड हो तो आपको क्या निकालना है, एक्सरसाइज 11 + 13 = 24 डिवाइड बाय 2 और दो दो का गैप है, तो आप 2 ऐड करते जाओ, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं आता है कि 2 ऐड करते जाना है, तो सबकी आप मिड वैल्यू निकालो, सबकी एक्सआई निकालो, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, 14 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, 16 आ जाएगा। नाउ यूआई, यूआई का फॉर्मूला एक्सआई माइनस ए डिवाइड बाय, इससे पहले वाले सम में, मतलब जो नॉर्मल सम होता है, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम नहीं है, नॉर्मल सम है मीन वाला, उसमें आप एक्सआई में कोई भी नंबर को ए ले लो चले, लेकिन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम में एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जहां पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना, उसके सामने वाली एक्सआई को ए लो, तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो आपको ए कहीं पे भी नहीं लेना है। हाँ, अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप कहीं पे भी ए लोगे तो भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन इजी चाहिए तो आपको जहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली एक्सआई को ए लेना, और जहां पे आप ए ले रहे हो उसके सामने वाली यू आई क्या हो जाएगी, और फिर ऊपर -1 -2 -3 -4 नीचे 1 2। नाउ एफ आई और यू आई मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस माइनस माइनस, 7 4 = 28, दिस इज -18 -18 -13, एफ इंटू 0 0, 5 1 = 5 4 2 = 8, ये आ गया 13, और इनका आप टोटल करोगे तो आएगा -17। मैंने आपको इससे पहले वाले सम में भी बोला, हमेशा ये दोनों माइनस होंगे, क्योंकि इसका टोटल माइनस में आएगा, इसका पॉजिटिव ही आने वाला है, सो माइनस प्लस माइनस, 77 में से 13 माइनस करोगे तो आएगा 64, बड़े नंबर के आगे साइन माइनस, तो ये आ गया आपका सिग्मा। सो मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू मीन दिया हुआ है 18, ए 20 सिग्मा एफ आई यू आई एन और एच 2। अब सबसे पहले हमेशा देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम में ये दोनों आपके पास अवेलेबल होंगे, तो इसको यहां ले लो, सो 18 ये हो जाएगा 20 इस साइड आया तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 64। अच्छा, हर बार बच्चों की जो गलती होती है वो गलती क्या होती है, बच्चे 44 को 2 से डिवाइड कर देते, कैंसिल कर दो, 222 सा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये पूरा साथ में है, ये एक ही नंबर है जिसमें एफ की वैल्यू हमको पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कटिंग नहीं होगी, आपको ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस, 20 में से 18 गया 2, बड़े नंबर के आगे साइन और ये -64 अपॉन f प्लस 44 इंटू 2 सेम लिखो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 ये यहाँ ले आओ f प्लस 44 और 2 नीचे ले जाओ, इंटरचेंज कर दिया हमने, तो ये 2 2 कट गया, क्या बच गया, f प्लस 44 इक्वल्स टू, सो देयरफॉर f इक्वल्स टू, ये 44 राइट हैंड साइड जाएगा, साइड चेंज साइन चेंज, नंबर लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है तो प्लस 44 हो जाएगा, सो एफ आ गया, आया समझ पे।